सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आदित्य की है बुरी नजर नायरा के ऊपर और उसकी वजह से कार्तिक और नायरा की डेट प्लान हो जाती है खराब। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है नायरा और कार्तिक की शादी की तैयारियां। शो में नायरा के पास के बारे में जानकर कार्तिक की दादी ने शादी के लिए कर दिया था मना, लेकिन अब कार्तिक और नायरा दोनों ने ही अपनी फैमिली के बीच के डिफरेंसेस को खत्म कर दिया है और अब दोनों के परिवार वाले मान गए हैं इस शादी के लिए और सब लोग बहुत ही खुश हैं। कार्तिक और नायरा दोनों के एफर्ट्स ने कार्तिक की दादी को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि इंसान का अतीत मैटर नहीं करता, इंसान का आज ही उसके लिए मायने रखता है। कार्तिक की दादी इस बात को मान जाती है और वो खुशी खुशी दोनों की शादी की तैयारियां शुरू करवा देती है, लेकिन अभी भी आदित्य की बुरी नजर नायरा पर है। वो अभी भी कार्तिक और नायरा को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा जल जाता है। कार्तिक और नायरा है बहुत खुश इस बात से कि अब उनकी सारी मुश्किलें दूर हो गई हैं और इसीलिए कार्तिक प्लान करता है कि वो नायरा को स्पेशल डेट पर ले जाएगा क्योंकि वो उसके साथ कुछ खास वक्त बिताना चाहता है। लेकिन आदित्य कार्तिक और नायरा की नजदीकियां देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बनाता है प्लान कि वो इन दोनों की इस स्पेशल डेट को करेगा स्पॉइल। अब देखते हैं कि आदित्य क्या करता है। पहले शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आदित्य की है बुरी नजर नायरा के ऊपर और उसकी वजह से कार्तिक और नायरा की डेट प्लान हो जाती है खराब। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है नायरा और कार्तिक की शादी की तैयारियां। शो में नायरा के पास के बारे में जानकर कार्तिक की दादी ने शादी के लिए कर दिया था मना, लेकिन अब कार्तिक और नायरा दोनों ने ही अपनी फैमिली के बीच के डिफरेंसेस को खत्म कर दिया है और अब दोनों के परिवार वाले मान गए हैं इस शादी के लिए और सब लोग बहुत ही खुश हैं। कार्तिक और नायरा दोनों के एफर्ट्स ने कार्तिक की दादी को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि इंसान का अतीत मैटर नहीं करता, इंसान का आज ही उसके लिए मायने रखता है। कार्तिक की दादी इस बात को मान जाती है और वो खुशी खुशी दोनों की शादी की तैयारियां शुरू करवा देती है, लेकिन अभी भी आदित्य की बुरी नजर नायरा पर है। वो अभी भी कार्तिक और नायरा को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा जल जाता है। कार्तिक और नायरा है बहुत खुश इस बात से कि अब उनकी सारी मुश्किलें दूर हो गई हैं और इसीलिए कार्तिक प्लान करता है कि वो नायरा को स्पेशल डेट पर ले जाएगा क्योंकि वो उसके साथ कुछ खास वक्त बिताना चाहता है। लेकिन आदित्य कार्तिक और नायरा की नजदीकियां देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बनाता है प्लान कि वो इन दोनों की इस स्पेशल डेट को करेगा स्पॉइल। अब देखते हैं कि आदित्य क्या करता है। पहले शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब।